यूपी में लगातार मुख्तार अंसारी के नेटवर्क पर प्रशासनिक कार्रवाइयों का सिलसिला चल रहा है। पिछले कुछ माह से प्रशासन द्वारा बाहुबली विधायक मुख्तार के नाते रिश्तेदारों के साथ ही उनके करीबियों पर तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं। इससे नाते रिश्तेदारों के साथ ही मुख्तार के करीबियों में खौफ संग हड़कंप भी मचा हुआ है। इसी का एक नजारा गाजीपुर में देखने को मिला है। असल में मुख्तार से जुड़े डॉक्टर आजम सिद्दीकी द्वारा सदर कोतवाली क्षेत्र के रोजा तिराहा के पास होटल का निर्माण कराया जा रहा है। मास्टर प्लान विभाग द्वारा होटल का कुछ हिस्सा अवैध बताते हुए उसे सीमांकन कर उसे तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के बाद खुद डॉक्टर आजम सिद्दीकी द्वारा निर्माणाधीन होटल के आगे के कुछ हिस्से को मजदूर लगवा कर गिरवाया जा रहा है। फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर अवैध निर्माण को खुद ही गिराने की इस कार्रवाई को देख सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले प्रशासन द्वारा डॉक्टर आजम के शम्मे हुसैनी अस्पताल को ध्वस्त कराने की कार्रवाई की गई थी। शम्मे हुसैनी अस्पताल का निर्माण एनजीटी और मास्टर प्लान सहित अन्य मानकों के विरुद्ध कराया गया था। डॉक्टर आजम सिद्दीकी सहित उनके परिजनों के 17 लाइसेंसी असलहे को निलंबित कर जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जा चुकी है। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी के बेटे और पत्नी के नाम से शहर के महुआ बाग में स्थित गजल होटल के ऊपरी मंजिल को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन द्वारा जिस तरह से मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों की कुंडली खंगालने का क्रम चल रहा है, उससे उनमें खौफ के बीच हड़कंप मचा हुआ है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।